नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी एस जयशंकर ने क्यों कहा कि वो राहुल गांधी से सीखना चाहते हैं, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को ही चेतावनी दे डाली है, जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात के बाद गरजे हैं पुतिन। राइटर जावेद अख्तर हाल ही में पाकिस्तान में जाकर उन्हीं की जमीन पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यक्रम में याद दिलाया कि 26/11 के आतंकवादी हमलों के अपराधी अभी भी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। बता दें कि जावेद अख्तर हाल ही में पाकिस्तान में मशहूर उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में किए गए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप कई बार पाकिस्तान गए हैं, जब आप वापस इंडिया जाते हैं तो क्या आप अपने लोगों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वो ना केवल हम पर बमबारी कर रहे हैं बल्कि हमें माला और प्यार से बधाई भी दे रहे हैं। इसके जवाब में 26/11 आतंकी हमले को याद करते हुए जावेद अख्तर ने जवाब दिया, आइए एक दूसरे को दोष ना दें, इससे मुद्दों का समाधान नहीं होगा। जो गर्म है फिजा वो कम होनी चाहिए। हम पर हमला हुआ, हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा वहाँ कैसे हमला हुआ था। मुंबई पर हमला करने वाले लोग नॉर्वे से तो नहीं थे, वो ना तो मिस्र से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर ने पाकिस्तानियों को ये भी याद दिलाया कि नुसरत फतेह अली खान और मेहंदी हसन जैसे पाकिस्तानी कलाकार जब भारत में आते हैं तो हम खुले हाथों से खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी पाकिस्तान ने एक बार भी लता मंगेशकर के शो का आयोजन नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संचार की नाकाबंदी है, लेकिन वो भारत की तरफ से कम और पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा है। जावेद अख्तर के बयान पर संग्राम मचा हुआ है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में कंगना रनौत पीछे कैसे रहती, उन्होंने ट्वीट कर जावेद अख्तर की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि जावेद अख्तर पर माँ सरस्वती की कृपा है, उन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, जय हिंद। तो पाकिस्तान में बैठे लोग भारत के बारे में उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं, ऐसे में जावेद अख्तर उनकी धरती पर जाकर उन्हें ना सिर्फ आईना दिखाया है बल्कि भारत के खिलाफ जुबानी हमले का बदला भी ले लिया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है इसे हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी आए दिन चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। आज उनके तमाम आरोपों के जवाब खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए हैं। जयशंकर ने यहां तक कह दिया कि वो राहुल गांधी से सीखने को भी तैयार है। राहुल गांधी के चीन वाले आरोपों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वो भारत चीन के तनाव को लेकर गलत धारणा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नैरेटिव फैला रहे हैं कि भारत सरकार डरी हुई है। ऐसा है तो भारतीय सेना को LAC पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भेजा है। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है। जयशंकर ने इशारों में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सी से शुरू होने वाले शब्द को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send it. Narendra Modi sent it. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay? And we are keeping troops there. At a huge cost, with great effort, we have increased our infrastructure spending on the border 5 times in this comment. So now tell me who's the defensive accommodative person? जयशंकर ने आगे कहा कि मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा हूं और बॉर्डर के मुद्दों को डील करता रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, लेकिन इतना कहूंगा कि मुझे इस विषय पर काफी कुछ पता है। अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूँ। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर चीन को लेकर सवाल उठाते रहे। राहुल का कहना है कि सरकार चीन का नाम लेने से डरती है। इसी को लेकर एस जयशंकर ने जवाब दिया और राहुल गांधी इस जवाब को सुनने के बाद क्या बोलते हैं ये अब देखने वाली बात है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए थे और जेलेंस्की से मुलाकात की थी। घंटों तक सड़क पे दोनों हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे, खूब सारे उनके बीच बातचीत भी हुई, अमेरिका ने कई सारे ऐलान। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग की पहली बरसी से ठीक 3 दिन पहले पुतिन ने अपने देश की जनता को संबोधित किया। पुतिन के संबोधन पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि अपने संबोधन में पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पुतिन बाइडेन को लेकर क्या बोलेंगे इस पर भी तमाम लोग टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसे में पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में वही खेल खेला है जो उन्होंने सीरिया और इराक के साथ किया है। पुतिन का इशारा साफ था, वो सीधे बाइडेन पर हमला बोल रहे थे।
बता दें कि बाइडेन जब यूक्रेन गए थे तब उन्होंने सभी देशों को चेतावनी दी थी जो रूस की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए कई बड़ी घोषणाएं करेगा। पुतिन पर निशाना साधते हुए बाइडेन ने उस समय कहा था कि उन्हें लगा था कि पश्चिम के देश एकजुट नहीं है और वो हमला करके आसानी से यूक्रेन को हरा देंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति अपने प्लान में पूरी तरह से फेल हुए। यानी बाइडेन की चेतावनी के बाद आज रूसी राष्ट्रपति के पास मौका था पलटवार करने का, लिहाजा उन्होंने पश्चिमी देशों को लेकर जमकर निशाना साधा। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि डोनबास की सुरक्षा के लिए रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था। यूक्रेन में लगातार हो रहे हमलों के बाद भी डोनबास के लोग साल भर तक डटे रहे। रूस ने शांतिपूर्ण तरीकों से डोनबास की समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव कोशिश की है। आपको बता दें कि बाइडेन आज पोलैंड में है और यहां उनका संबोधन है। राष्ट्रपति पुतिन के बयान पर वो क्या बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।